आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। भारत में पेट्रोल की बिक्री अभी तक के उच्चतम स्तर पर पहुंचने के साथ मार्च में फ्यूल की मांग अपने 3 साल के हाई पर पहुंच गई। दरअसल महामारी के बाद देश में मजबूत आर्थिक सुधार के अनुमानों से फ्यूल की डिमांड को सपोर्ट मिल रहा है। पेट्रोल एवं डीजल की खपत महामारी के पूर्व स्तर पर पहुंचने के साथ मार्च में देश की फ्यूल की मांग 4.2% बढ़कर 3 साल के उच्च स्तर पर पहुँच गई। पेट्रोलियम मंत्रालय के पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल की तरफ से सोमवार को जारी आंकड़ों के अनुसार मार्च 2022 में पेट्रोलियम उत्पादों की कुल खपत 1.94 करोड़ टन रही, जो मार्च 2019 में के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि कोविड-19 महामारी की तीसरी लहर के असर से इकोनॉमी को उबरने के बीच परिवहन ईंधन की मांग मार्च में खासी बढ़ गई है। देश में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले ईंधन डीजल की कुल ईंधन खपत में हिस्सेदारी 40% रही। मार्च में डीजल की मांग 6.7% बढ़कर 77 लाख टन पर पहुंच गई। वहीं पेट्रोल की खपत 6.1% बढ़कर 29.1 लाख टन रही। खास बात यह है कि पेट्रोल एवं डीजल दोनों ही फ्यूल्स की मांग मार्च में महामारी के पूर्व स्तर को पार कर गई। डीजल की मांग खेती जुड़ी गतिविधियों के कारण बढ़ी, जबकि पेट्रोल की मांग बढ़ने की एक वजह कीमतों में वृद्धि की आशंका रही है। खाना पकाने में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी की मांग मार्च में 9.8% बढ़कर 24.8 लाख टन हो गई। अगर पूरे वित्त वर्ष की बात करें तो वर्ष 2021-22 में ईंधन की मांग 4.3% बढ़कर 20.27 करोड़ टन पर पहुँच गई, जो वर्ष 2019-20 के बाद का उच्चतम स्तर है। इस दौरान वाहन ईंधन और रसोई गैस की खपत बढ़ी, जबकि इंडस्ट्रियल फ्यूल की खपत में गिरावट दर्ज की गई। पेट्रोल की खपत 10.3% बढ़कर 3.08 करोड़ टन हो गई, जो अब तक का रिकॉर्ड स्तर है। वहीं डीजल की बिक्री 5.4% बढ़कर 7.67 करोड़ टन हो गई। वहीं विमान ईंधन यानी ATF की मांग 35% बढ़कर 50 लाख टन हो गई, लेकिन यह अब भी महामारी के पूर्व स्तर से काफ़ी कम है। इसकी वजह यह है कि देश में विमानन सेवाएं पूरी तरह से वित्त वर्ष 2021-22 के आखिर में ही बहाल हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।